जा रही है, वे बहुत जा रही है। मेरी आंखें देख सकते हो वहां यार। अभी हमारे साथ क्या है मैं आप लोगों को बताऊं, अभी हम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई बिल्कुल फिट फाट है। आज है जुमा और अभी जुमे को सिर्फ 8 मिनट रहते हैं, तो फटाफट से अभी चलते हैं जुमा पढ़ने। और हाँ, इस वीडियो का जो है लाइक का एम है ना, वो 1.5 लाख लाइक करा दे रहे ना। मुझे पता है तुम लोग करा ही दोगे, तो 1.5 लाख लाइक करा देना। तो अभी फटाफट से चलते हैं जुमा पढ़ने, लेट हो रहा है मैं, तो मैं जुमे के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यार जुमा शुमा पढ़ लिया, आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो यार देखो, हमारे मुसलमानों में ऐसे बहुत होते हैं ना कि मतलब के मुसलमानों के या दोस्तों में आपके, आप लोग भी ऐसे करते होंगे जो ये व्लॉग देख रहे हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, जो जो करते होंगे उनको कह रहा हूँ कि हम ना पूरे हफ्ते मतलब कोई कोई नमाज़ पढ़ते हैं, और जुमे की नमाज़ के टाइम सारे मौलवी बन जाते हैं, सारे नमाज़ पढ़ते हैं, जुमा पढ़ने पहुँच जाते हैं। तो यार ऐसा करना चाहिए, मगर जुमा पढ़ना चाहिए, मगर यार और नमाज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि सारी हम नमाज़ें पढ़ें। तो कोशिश किया करो यार, नमाज़ सारी पढ़ा करो, मिस ना कोई भी हो। और आप लोग मुझे बताओ यार, आपके भाई के बाल बड़े हो रहे हैं? तुम लोग के कहने पे मैंने कैप उतारी है, वरना मैं कैप नहीं उतारनी थी। मेरे बाल अभी भी छोटे यार, छोटे बालों में बहुत बुरा लगता हूँ, और बाल जैसे बड़े होते हैं तो फिर कॉलेज वाले के रोले होते हैं। तो हमने स्प्रे वगैरह इसलिए मारी यार, जुमा पढ़ने गए थे, वापसी में धूप होती है और फिर पसीना आ जाता है यार। ये सिर्फ लड़के ही समझ सकते हैं कि क्या सीन होता है जब पसीना आता है। अभी खाना खाते हैं ना, फिर खाने के बाद शाम को ही कहीं निकलेंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, दोस्त को मैसेज करते हैं। तो खाना खा के फिर शाम को ही मिलते हैं भाई। आग लगी हुई थी ना यहाँ पे, आग लगी हुई थी ना, ये किस वजह से लगाई है पता नहीं। पीटीआई के स्पोर्टर है, पता नहीं क्या। ये देख लो यार, पीटीआई के स्पोर्टर देख लो, आग लगाई हुई है। मुझे लगा कुछ हो गया है यहाँ पर। तो यार हम आए हैं फैसल मस्जिद, और अभी हो रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है अभी? मोबाइल मेरे पास तो मोबाइल नहीं। तो अभी हो रहे हैं 4, और बात सुनो, आपका भाई इधर मास्क उतारे ना, तो ये सारे जो बंदे हैं ना, ये देख रहे हो, ये सारे इकट्ठे हो जाने हैं कि नहीं सुहेल? नहीं। तो मेरे मास्क उतारने की देर है यार, आपका भाई फेमस बंदा है यार, बंदे इकट्ठे हो जाने मसले वाली बात नहीं। तो अभी वहाँ पर, यहाँ पर तो बहुत धूप आ रही है, कहीं छाँव में बैठते हैं। तो यार मैं यहाँ पर बहुत दफ़ा आया हूँ, मगर यहाँ पर फैसल मस्जिद की ना एक बात बताई जाती है कि यहाँ पर देखो ये मस्जिद है ना, और तुम लोग को अभी मैं कैमरे में दिखा नहीं सकता, बुरी बात है ऐसे किसी की वीडियो बनाना, मगर यहाँ पर इतना मतलब कि जो औरत जात है ना, वो इतना मतलब कि ना दुपट्टा होता है, और ऐसे तैयार होकर आई होती हैं जैसे कोई शादी है। और ये ज़रा भी अच्छी बात नहीं है यार, मस्जिद है, एहतराम करना चाहिए। और ना मतलब यहाँ पे लोगों ने गाने भी लगाए होते हैं, और औरतों ने ऐसी जो ड्रेसिंग की होती है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, जैसे कोई फिल्म ड्रामा की एक्टर्स हो। और ऐसा नहीं करना चाहिए यार, मतलब औरत ज़ात है, ये मस्जिद है, एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और बाकी मैं क्या कह सकता हूँ यार, हम तो यहाँ पर आए थे कि चलो फैसल मस्जिद में ब्लॉग भी बना लें, मगर यहाँ पर जो माहौल देखे हैं ना, तोबा तोबा, अब मैं तुम्हें कैमरे में दिखा नहीं सकता, बुरी बात होती है यार। तो यार ये कुछ बातें जी जो मैंने बोलनी थी, और बोलनी चाहिए भी यार, मस्जिद है देखो, एहतराम करना चाहिए। और बाकी अभी अजान हुई है तो नमाज़ पढ़ते हैं। बाल बड़े होंगे यार, मैं बार बार बालों में हाथ फेर रहा हूँ। हाँ जी, तो यार ये बंदा नहीं आपसे हमारे व्लॉग्स में होगा, जो भी व्लॉग होगा मेरा यही मतलब, किसी का होता है ना कि अच्छा दोस्त हो हर व्लॉग में उसके साथ, वो तो मेरा जो अच्छा दोस्त है ना वो ये बंदा है। तो अभी अजान हो गई है तो नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज़ पढ़ के फिर मिलते हैं। और हाँ, आप लोग कहते हो यार ब्रो हमें मिलने आओ, मीटअप रखो। अभी आज मैं फैसल मस्जिद आया हूँ तो मजाल है एक भी बंदा मिले यार, शर्म की बात है। एक तस्वीर टाइम नहीं है मेरे पास। एक तो यार मजाक, बस बिग फैन नहीं हो मेरे? नहीं, लिटिल फैन। लिटिल फैन ये। तो यार सीरियसली मजाल है कोई एक भी बंदा मिला हो, कसम अल्लाह की। अजान होगी, अभी नमाज़ पढ़ते हैं, फिर नमाज़ के बाद मिलते हैं भाई, नमाज़ पढ़ लें।
यार नमाज जो थी वो हमने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, असर की नमाज हमने पढ़ ली। अभी असर की नमाज़ पढ़ के अभी देखते हैं ना कि यहाँ रुकना है या कहीं फिर और जाना है या सीधे घर जाना है। तो हम सुहेल से पूछेंगे, सुहेल कहाँ जाना है भाई? जिधर आप ले थे मैं तुझे ले जाऊँगा हवाओं में, ले सिर्फ एक सिगरेट के थ्रू मुर्शिद बन के जहाज बन के तुझे ऐसा जहाज बनाऊंगा ना। तो यार वो जो मैंने बात बोली थी ना पहले भी, मैं यार पहले भी मैं फैसल मजिद आया हूँ, मगर उस टाइम मेरे पास ऐसा कोई था नहीं कि मैं आवाम को बोलूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी चलो मैं यूट्यूब पे मतलब लोग मुझे देखते हैं कुछ कुछ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात शेयर करूँ कि यार ये सीन होता है। तो बाकी मेरा इनसे क्या यार, मगर मैंने वैसे एक बात बोली थी कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि ये देख सकते हो आप लोग इधर, मतलब कि इतना इनकी ड्रेसिंग देखोगे ना तुम लोग को पता लगेगा कि क्या, कसम से बहुत गुनाह है, बहुत ज़्यादा। मस्जिद के सामने दुपट्टा तो छोड़ो, तुम इनकी ड्रेसिंग देखोगे ना तुम्हें लग पता जाएगा। और गानों पे लोग वीडियोस बना रहे होते हैं। मैंने सोचा यार सीधा घर ही चलते हैं, यहाँ पे माहौल कुछ ठीक नहीं है। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ घर, तो रास्ते में अगर देखते हैं कुछ हो गया, कोई शॉल मेरे लग गया तो वो आप लोग के साथ शेयर कर लूँगा, वरना हम सीधा फिर जाएँगे ही घर। तो चलो भाई, मेरी आंखें जा रही हैं, वो बहुत जा रही हैं मेरी आंखें, देख सकते हो वहाँ पे आंसू गैस छोड़ी थी मेरी सारी आंखें, वो देखिए सांस बंद हो गया। तो यार अभी हमारे साथ क्या हुआ मैं आप लोगों को बताऊँ, अभी हम जा रहे थे ना घर, तो मैं फैसल मस्जिद से, मेरे साथ मेरा दोस्त था, तो वो ये क्या हुआ था यहाँ पे, वो आवाम ने धरना किया था ना, तो वो पुलिस वाले आते हैं वो आंसू गैस छोड़ते हैं, तो हमें पहले मतलब फील नहीं हुआ था। और जब उन्होंने ये मतलब हम थोड़ा आगे गए ना, जब मेरे मुँह में गया आँखों में गया ना, मेरा सांस बंद हो गया था और आंखें तो अभी मेरी कुछ नहीं है, उस टाइम मेरा पूरा दिमाग जलने लग गया था, आंखें मेरी जल रही थी और सांस भी बंद हो गया था। और पहली दफ़ा मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया, कसम से बहुत बुरा हुआ। तो अभी यार यहाँ से सीधा चलते ही घर, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, तो मैं यहाँ पर ही ब्लॉग एंड करता हूँ। लाइक सब्सक्राइब कर देना, अल्लाह हाफिज़।